वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जेड इंडेक्स के बारे में। तो थोड़ा सा हम ओवरव्यू देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक साइट ओपन कर रखी है अमेज़ोन की। तो यहाँ पे जैसे ही मैं कुछ सर्च करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा बैकग्राउंड है, जो हमारे हेडर के पार्ट है या फिर हमारा जो बैकग्राउंड है या इमेजेस है उनके ऊपर ही ये सारी चीज़ें आ रही है। ये आप देख सकते हैं, आप ये ब्लर हो चुका है और इसके ऊपर आ रही है। तो ये जेड इंडेक्स से होता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सिंपली हमारा जो HTML का जो पैटर्न है वो हम यहाँ पे HTML लिख लेते हैं और यहाँ पे हम जेड इंडेक्स। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक डिव लेंगे। तो यहाँ पे हम एक डिव ले लेते हैं और यहाँ पे हम एक इमेज ले लेते हैं। यहाँ पे इमेज लेने के बाद हम यहाँ पे सोर्स दे देते हैं। तो यहाँ पे मैं है वो सोर्स प्रोवाइड कर देता हूँ। तो यहाँ पे हम दे देते हैं इमेज डॉट JPG। इसके बाद हम सेव कर देते हैं इसको। तो यहाँ पे JPG करके हमने सेव कर दिया और यहाँ पे जाके हम रिफ्रेश कर देते हैं। तो यहाँ पे JPEG लगाना पड़ेगा हमको और यहाँ पे सेव कर लेते हैं और यहाँ पे जाके हम रिफ्रेश कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी एक इमेज आ चुकी है। अब इसको क्या करते हैं, हम हाइट और विथ दे देते हैं। तो यहाँ पे हाइट और विड्थ देने के लिए क्या करना होगा आपको, सिंपली यहाँ पे लिखना है आपको हाइट 200 पिक्सल और यहाँ पे आपको देना है वेट 200 पिक्सल और यहाँ पे आपको सेव कर देना है और यहाँ पे आपको रिफ्रेश कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपकी इमेज है वो यहाँ पे आ चुकी है। इसके बाद हम क्या करते हैं, एक और दूसरी इमेज यहाँ पे लेके आते हैं। तो इसी को हम कॉपी कर लेते हैं और कंट्रोल सी कर लेते हैं और उसके बाद हम यहाँ पे कंट्रोल पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे हम तीन इमेज ले आते हैं। तो यहाँ पे हम नेम चेंज कर देते हैं 2 एंड 3 और यहाँ पे हम सेव कर देते हैं और यहाँ पे हम रिफ्रेश कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारी जो तीनों इमेज है वो आ चुकी है और यहाँ पे हम इसका नाम चेंज कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे जो बैकग्राउंड है वो वाइट है तो आपको प्रॉपर समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम 3 ही ले लेते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि ये सारी इमेज है वो एक करके दिख रही है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि मैं मार्जिन लेता हूँ। मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे मार्जिन दे दिया, मैं स्टाइल लिख लेता हूँ इसकी। स्टाइल आपको नॉर्मली ऊपर लिखनी होती है तो मैं यहाँ पे क्लास कर लेता हूँ और यहाँ पे हम इमेज सेट करके एक क्लास ले लेते हैं और उसको हम कॉपी करके यहाँ पे स्टाइल टैग हेड टैग में स्टाइल लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, बेसिकली यहाँ पे हमें लेना है मार्जिन माइनस 120 पिक्सल और यहाँ पे हमें लेफ्ट लेना है। कंट्रोल सेव। यदि आप इस कंडीशन में यदि इस इमेज को देखोगे तो आपकी इमेज दूसरी इमेज के ऊपर आ चुकी है। तो यहाँ पे हम ज़्यादा लेते हैं जिसकी वजह से क्या है कि हमारी इमेज इसके ऊपर आएगी। तो यहाँ पे आप ज़्यादा भी ले सकते हो। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, सिंपली यहाँ पे आपको कर लेना है 320 और इसको सेव कर लेते हैं और रिफ्रेश कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि आपकी इमेज इसके ऊपर आ चुकी है। तो क्या हुआ कि जो नई इमेज आई है उसकी वजह से जो पुराने वाली इमेज है वो यहाँ पे हाइड हो चुकी है। तो इसको अनहाइड करने के लिए हमको क्या करना होता है, यहाँ पे हम जेड इंडेक्स का यूज़ करते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो इमेज हमने सेट की है उसका जेड इंडेक्स हम दे देंगे 1, ठीक है। और जो फर्स्ट वाली इमेज है उसको हम क्लास दे देते हैं और यहाँ पे इमेज सेट करके और फर्स्ट कर देते हैं हम। इसको हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम इसकी CSS लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इमेज सेट फर्स्ट और यहाँ पे हम इसकी CSS लिखेंगे। तो यहाँ पे हम दे देते हैं एक बार के लिए आपको समझाने के लिए जेड इंडेक्स 1 ही दे देता हूँ मैं इसका, तो आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। यदि मैं जेड इंडेक्स 1 देता हूँ तो यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं होंगे। तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे आपको करना है इसको पोजीशन रिलेटिव करना है, सेव करना है और उसके बाद आपको यहाँ पे रिफ्रेश करना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो आपकी
पीछे वाली जो बैकग्राउंड इमेज है वो ऊपर आ चुकी। तो जेड इंडेक्स की मदद से हम ये कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि जेड इंडेक्स 1, जेड इंडेक्स 2, 3, 4, 5, 6, जब आप मल्टीपल इमेजेस यूज़ करते हैं या मल्टीपल डिव यूज़ करते हैं, तो उन डिव को एक के ऊपर सेट करने के लिए हम जेड इंडेक्स का यूज़ करते हैं कि हमारा जो पीछे वाला डिव है वो पीछे दिखे, आगे वाला डिव है वो आगे दिखे। तो कई बार क्या होता है, जैसे पॉपअप वाला सीन होता है, तो पॉपअप में क्या होता है, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको फ्लिपकार्ट का एक एग्जाम्पल बताता हूँ। फ्लिपकार्ट, तो यहाँ पे जैसे ही आप फ्लिपकार्ट के साइड पे इंटर करते हो तो यहाँ पे साइड के ऊपर एक पॉपअप आता है पूरा, जहाँ पे आप मोबाइल नंबर लिंक कर सकते हो, बल्कि पूरी साइड यहाँ पे लोड हो चुकी है, पीछे आपको सारा साइड का कंटेंट दिखेगा। बट ये पॉपअप जो है ये एक डिव है, और इस डिव को जेड इंडेक्स के थ्रू पूरे जो बैकग्राउंड है या पूरी जो एप्लीकेशन है उसके ऊपर लाया जाता है। सो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा, यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स, वॉच माई वीडियो।